जी ने हमें आज्ञा दी सन्यासी बाबा ने कि मुकेश नाम का बालक मुकेश सिंह जी आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आ जाइएगा। माइक लीजिए। कहां से हो आप? बाबा मैं वैसे मथुरा की रहने वाली हूँ, यहाँ भोपाल में पुलिस कांस्टेबल हूँ मैं। क्या है आप? पुलिस कांस्टेबल। अच्छा अच्छा, लेडीज कांस्टेबल। अच्छा अच्छा, आप पढ़ी लिखी तो हैं? जी बाबा। ठीक, पहले से अपनी समस्या तो नहीं किसी को बताई? नहीं बताई, मैं तो अभी लौट के जाने वाली थी कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, अचानक से बुला लिया। हाँ, हमारे बालाजी ऐसे ही है, उपद्री है। हाँ, पूछ लीजिए, हमने लिख लिया है। बाबा वो मेरा बच्चा 2.5 साल से मेरे से दूर है। हम मतलब हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता था। तो 2.5 साल से हम दोनों दूर रह रहे हैं, केस भी चल रहा है। तो मेरा ये है कि बच्चा मुझे मिल जाए। ठीक, और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती हैं कि इसकी शादी शुदा जिंदगी बिगड़ गई। हाँ, और कोई बात? और तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ PSC की, मैं चाह रही हूँ थोड़ा आगे। सिर का कोई दर्द दर्द का है? सिर दर्द तो नहीं है मुझे। पढ़िए, नस तड़कने लगती है कभी कभी? हाँ, आँखों में ऐसी कभी परचा कभी रेटिना नेत्र के ऊपर सिर तड़कने लगती, परेशान रहती है, नस की दिक्कत बन रही है। कृपा होगी वह PSC की तैयारी तेज करें, परिवार में पति से कलेश बना है, जो शांत होगा बालक प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। हाँ। सीताराम बोलो। सीताराम बाबा, हमारा जो इस पे जवाब है, आगे सामंजस्य ही बनाना चाहिए। अब चूंकि उनका दिमाग चढ़ जाता है तो उल्टा सीधा तो बोलते हैं और वो थोड़ा सा असभ्य हो जाते हैं, ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली बकते हैं, उपद्रव करते हैं। हमें आप चित्र दे देना, वैसे सामंजस्य बनाने में ही फायदा है, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक, चलो बहन, बहुत आशीर्वाद बहन, बस ये आपका अर्जी कार्ड लो। चलो सीताराम, साधु जी, अरे ओ साधु, दो बात है, तय काया जाऊं से ही है? हाँ हाँ, ये तो यही है, आने दो इस टोपी वाले, तो काया हूं से ही, भरत जैसी खड़ा हूं, मुड़ पे धरे, आ जा भरत जैसी खड़ा हूं, भरत भैया बनो। एक ये बच्ची चश्मा लगाए आगे बैठी है, बिटिया खड़ी हो जाओ,